लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। करिश्मा कपूर 44 साल की हो गई है। उनका जन्म 25 जून 1974 को मुंबई में हुआ था। शोमैन राज कपूर की पोती और एक्टर रणधीर कपूर की बेटी करिश्मा ने मात्र 17 साल की उम्र में बॉलीवुड में डेब्यू किया था। 1991 में आई फिल्म प्रेम कैदी से करिश्मा ने इंडस्ट्री में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके को स्टार साउथ के हीरो हरीश कुमार थे। ये फिल्म तो फ्लॉप थी। इसके बाद करिश्मा की लगातार 12 फिल्में आई जो सुपरफ्लॉप रही। इन्हीं फ्लॉप फिल्मों की वजह से करिश्मा रात रात भर रोती थीं। बता दें कि इसी दौरान धर्मेंद्र छोटे बेटे बॉबी देओल को लॉन्च करने का मन बना रहे थे। वे चाहते थे डेब्यू फिल्म में बॉबी की जोड़ी करिश्मा के साथ बने, लेकिन करिश्मा की फ्लॉप हो रही फिल्मों की वजह से उन्होंने अपना इरादा लिया था और बॉबी को उन्होंने ट्विंकल खन्ना के साथ लॉन्च किया। करिश्मा कपूर ने जब इंडस्ट्री में कदम रखा तो उनके ड्रेसिंग सेंस बहुत ही खराब था। कई बार मीडिया ने उनके ड्रेसिंग सेंस और मेकअप का मजाक उड़ाया था। कुछ लोग उन्हें उनके पिता रणधीर कपूर के नाम से चिढ़ाते थे और उन्हें लेडी रणधीर कपूर कहते थे। डेब्यू के 4 साल बाद 1994 में आई फिल्म राजा बाबू ने करिश्मा को स्टार बना दिया था। इस फिल्म में उन्होंने गोविंदा के साथ स्क्रीन शेयर की थी।